हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो चलिए देख लेते हैं आज क्यों है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कटहल हम लेकर आते हैं मगर कटहल हमारा बना नहीं पाते किसी कारणवश, तो वो पक जाता है। तो पका हुआ जिसको पसंद है वो तो खा लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं पसंद है वो फेंक देते हैं। और तो अब से क्या करना है, कैसे कटहल को यूज़ करना है। पका हुआ कटहल भी, बेकार कटहल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कटहल का कुछ पार्ट यूज़ कर सकते हैं, पूरा कटहल नहीं यूज़ कर सकते हैं मगर कटहल का कुछ पार्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट यूज करना है और कटहल की आज कौन सी पार्ट की हम आज रेसिपी लेकर आए। तो चलिए देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज गाइस लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आती है। तो चलिए देख लेते हैं अपनी वीडियो। तो ये देखिए गाइस, कटहल के बीज हमने ले लिए हैं। इन्हें बहुत आसानी से छिल जाता है, उस कटहल से निकाल कर रख दीजिए एक रात के लिए यानी 12 घंटे के लिए। तो इसके ऊपर का जो पानी है ना वो सूख जाएगा, तो आप आसानी से छील पाएंगे। अगर आपके इन छिलकों में पानी लगा रहा है ना तो ये छील नहीं पाएंगे आप आसानी से, जब छीलते हो तो ये कूद जाते हैं। इसलिए देखिए, कुछ कटहल के बीज हमारे पुराने पड़े थे, लगभग हो गए होंगे 15 दिन पुराने। ये बीज खराब नहीं होते हैं, बस सूख जाते हैं थोड़ा सा। तो जब बना अगर ये कटहल के बीज सूख जाते हैं तो आप इन्हें भिगो दें ओवरनाइट के लिए, इस तरह से भिगो कर रख दें तो ये बिल्कुल फिर से पहले जैसे कटहल के बीज हो जाएंगे और आप आसानी से इनको बना पाएंगे सब्जी में। तो कभी कभी ऐसा होता है कटहल ज्यादा आ जाता है तो उसके बीज निकाल कर हम रख लेते हैं तो वो सूख जाते हैं अगर बीज, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से भिगो कर बना सकते हैं। तो चलिए सारे कटहल के बीजों को हम छील कर रख लेते हैं अच्छे से नाइफ का इस्तेमाल करके। ये देखिए इस तरह से बस छील गए बीज हमारे। तो इसी तरह से हम सारे के सारे बीज छील कर रख लेंगे और चॉप भी कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से छिल रहे हैं, देखिए सारे बीज छिल गए हैं। तो इनको अब हम इस तरह से चॉप कर लेंगे छोटे छोटे भागों में, क्योंकि ये हमारे कटहल के बीज हैं, थोड़ा सा मजबूत होते हैं तो इनको पकाने में टाइम लगता है। ये देखिए इस तरह से इनको चॉप करते हैं सारे, फिर मिलते हैं, ये देख सकते हैं एकदम से इक्वल पीसेस। तो चलिए चॉप करते हैं फिर मिल जाते हैं। ये देखिए हमने चॉप कर लिया है, चॉप करके वॉश भी कर लिया अच्छे से कटहल के बीजों को। और अब हम यूज बनाते हैं सब्जी। तो देखिए दो प्याज ले लिए, दो मिर्च ले ली है और ये देखिए ग्राइंड कर लिया अच्छे से। देखिए लहसुन हमने इसमें नहीं डाला है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा आएगा लहसुन का भी। और ये देखिए मिर्च इसमें हमने एक पैन रख लिया है और उसमें डाल दिया 2 स्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, उसको पक जाने देंगे अच्छे से। उसके बाद डाल देंगे जीरा, जीरा भुन जाने देंगे अच्छे से। भुनने के बाद अपना जो पीस कर रखा हुआ है मसाला बस वही ऐड कर देंगे, यानी लाल मिर्चा और जो प्याज पीस कर रखा है, मिर्च और प्याज पीस कर रखी वही डाल देंगे इसमें और फ्राई कर लेंगे। देखिए कुछ हद तक फ्राई हो चुका है। अब इसमें बेसिक से मसाले डाल देंगे, यानी 1 स्पून डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 स्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, देखिए इस तरह से, ये देखिए धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब इसे मिक्स करके भून लेंगे अच्छे से। देखिए आप पानी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं भूनने के लिए, मगर हमारे पास प्याज पड़ा था पहले से ही कढ़ाई में तो पानी की जरूरत नहीं लगी, हमें भिगोने की जरूरत नहीं लगी मसालों की, इसलिए देखिए इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून के करीब बेसन, क्योंकि बीज हमारे हैं बीज में से कुछ निकलता तो है नहीं, तो इसलिए ये सब्जी अगर आप इसमें बेसन नहीं डालना चाहते तब भी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टेस्टी भी बनेगी, मगर थोड़ा सा उसकी जो ग्रेवी होगी वो पतली रहेगी और बेसन डालने से इसकी ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो इसीलिए हमने 1 स्पून लिया हुआ है बेसन, जिससे कि बेसन का फ्लेवर भी ना आए और अच्छे से सब्जी भी बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए बेसन और मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, देख ही सकते हैं तली में चिपक गए थे, बेसन जो होता है वो तली में चिपकता है। तो देखिए इसमें कटहल के बीज हमने डाल दिए अच्छे से। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे हम 1 सेकंड के लिए और इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे, पहले पकड़ कर चलाएंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी इस तरह से। तो ये देख सकते हैं इसमें हम डालेंगे नमक। गाइस एक बात और, बहुत अमेजिंग रेसिपी है, एक बार बना कर जरूर देखिएगा। काफ़ी हद तक जैसे राजमा वगैरह होता है बस उसी तरह से टेस्ट आएगा। तो ये नमक हमने डाल दिया स्वाद के अनुसार, इसको भी मिक्स करके हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 3 से 4 मिनट लगेगा फ्राई करने में सब्जी को, क्योंकि सब्जी जब हमारी फ्राई होकर बनती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, क्योंकि ग्रेवी बनाएंगे। दूसरी बात है कटहल के बीज जो है वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेंगे तो पानी जो होता है वो हमारा जल जाता है। देखिए हमको ये दिखाना था तो हमने कढ़ाई में बनाया है, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो देखिए 2 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया है, तो उसमें हमारा 1/2 गिलास पानी तो लगभग जल ही जाएगा और रह जाएगा 1.5 गिलास पानी। तो ये देख सकते हैं इसको ढक करके हम पका लेंगे। तो ये देखिए पेट हटाकर दिखा रहे हैं, तो ये देखिए बॉयल आने वाला है हमारे कटहल की सब्जी में, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी। ये देखिए
इस तरह से देख लेंगे हम चलाते हुए कटहल को, और कटहल के बीजों को देखिए बन गया है, लगभग 5 मिनट लगे बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और ये देखिए कितना टेस्टी, कितना यमी सब्जी दिख रही है, ये देख सकते हैं इस तरह से। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी ऐड करने से ना इसका टेस्ट और स्वाद बढ़ जाता है, महक आने लगती है हमारी सब्जी में, इसलिए हम कस्तूरी मेथी का यूज़ करेंगे। ये देखिए, और बंद करके 2 मिनट के लिए रख देंगे अपनी कढ़ाई को, जिससे कि कस्तूरी मेथी का जो फ्लेवर है, जो स्मेल है, वो हमारी सब्जी में हो जाए सारी, इसलिए। और अब इसे हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम सर्व करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि कटहल के बीज की सब्जी कैसे लगेगी, तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम लंच बॉक्स में भी रख देते हैं। ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है कि सभी लोग मांग मांग कर खाते हैं, इतना टेस्टी सब्जी लगती है। कटहल की सब्जी और राजमा आप बना के रख दीजिए, तो लगभग लगभग अगर कटहल की स्मेल ना आए तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये कटहल की सब्जी है या राजमा की सब्जी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।